हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, कंप्यूटर संगणक की जो भर्ती है वो यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये नोटिफिकेशन 7/7/2023 को जारी किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों कुल टोटल 583 पदों के लिए ये वैकेंसी आई है यहाँ पे, जिसमें से 512 गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और 71 अनुसूचित क्षेत्र के लिए, यानी कि TSP और non-TSP। आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों ऑनलाइन रहने वाली है, वो आपको सबको पता ही है कि ऑनलाइन अपन ई मित्र पे जाके वहाँ से उसकी टेंशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे पॉइंट में अपन यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति और जो भी रिजर्वेशन के अनुसार जो पद बांट रखे हैं, तो वो उस हिसाब से आप नोटिफिकेशन को इसको देख लेना। मैं इसका लिंक यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। जो मोटी बात आती है, सबसे भारी चीज़ जो सबको प्रिय है, कि वेतनमान कितना रहने वाला है। तो दोस्तों वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 8 का रहने वाला है, तो इसमें लमसम अपन मान सकते हैं 35,000 रुपये से 35,000+ यहाँ पे सैलरी आपकी रहने वाली है। यहाँ पे दोस्तों जो सबसे मेन चीज़ दूसरी है, पात्रता और शैक्षणिक योग्यताएं क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या दर्शन अर्थशास्त्र में कम से कम एक विषय में, यानी कि कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हो तो उसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो आपकी मैथ होनी चाहिए या सांख्यिकी और यानी कि स्टेटिक्स होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र होनी चाहिए। इनमें से कोई ना कोई एक विषय यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपके पास में BSc के अंदर गणित विषय जरूर होनी चाहिए। अगर आप आर्ट्स के हों तो आर्ट्स में अगर आपने इकोनॉमिक्स से BA किया है तो यहाँ पे आप इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और सांख्यिकी यानी कि अगर आपने कॉमर्स से किया है तो आपके पास में इकोनॉमिक्स या सांख्यिकी में से कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर रहेगी। दूसरी चीज़, या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता Part 1 से ABC का प्रमाण पत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन ये से ओ लेवल या ए लेवल का जो भी कोई प्रमाण पत्र है कंप्यूटर का, तो वो आपके पास में होना चाहिए। ये यहाँ पे देखो या लगा रखा है दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो ये दूसरा है, NLIT न्यू नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकलन का प्रमाण पत्र या पाठ या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम के राष्ट्रीय या राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग सहायक डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कोई प्रमाण पत्र हो सकते हैं। इसके अलावा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री, डिप्लोमा या कोई प्रमाण पत्र हो सकता है। या फिर देश में से किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी का कोई प्रमाण पत्र यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या अभियांत्रिकी में कोई डिप्लोमा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन संचालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो देवनागरी लिपि हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपको। अब दोस्तों ये स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया गया है कि उक्त सुविधा या अभ्यर्थी भी उपयोग कर सकें। जो आवेदक पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पद के वांछित योग्यता की परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे, समस्त आवेदकों को परीक्षा की दिनांक तक शैक्षणिक अर्हता अर्जित करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो 10 अगस्त की जो लास्ट डेट रखी गई है वहाँ तक इनके पास में जो भी जो यहाँ पे भर रहे हैं तो उसके प्रमाण पत्र यहाँ पे इनके पास में होने चाहिए। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, कि संगणक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम जो यानी कि परसेंटेज या परसेंटाइल जो कट ऑफ कितनी भी रहे, लेकिन कम से कम 40% आने ही चाहिए उसमें पास होने के लिए। उसके अलावा ये अन्य योग्यता है, स्वास्थ्य, चरित्र वगैरह, राष्ट्रीयता, फिर आयु। आयु इसमें दोस्तों 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक की यहाँ पे रखी गई है। और निम्न अनुसार जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 5 वर्ष 3 वर्ष की यहाँ पे छूट दी गई है। तो वह आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ लेना, जिसका लिंक मैंने पहले ही बोला है कि मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
आगे पेंशन जो नई भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के नियम अनुसार जो पेंशन योजना लागू होगी वो ही पेंशन योजना यहाँ पे लागू होगी। उसके अलावा दोस्तों ये पंजीयन शुल्क वगैरह जो CSC या ई मित्र वगैरह से आप जाके करवा सकते हो, उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर 12वां पॉइंट आता है दोस्तों कि संगणक के पदों की जो भर्ती परीक्षा होगी वो 14 अक्टूबर 2023 को आवंट की जाएगी। तो दोस्तों समय बहुत कम है तो जल्दी से फॉर्म भर के तैयारी में लग जाओ। आवेदन कैसे करें ये सब चीज़ें, आप ई मित्र पे जाओगे तो आपको उस चीज़ की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ई मित्र वाले अपने आप उस फॉर्म को आपको भर के दे देंगे। आगे देखते हैं दोस्तों जो परीक्षा की जो स्कीम है वो कैसे क्या होगी। इसमें पेपर 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। उसमें 2 पार्ट्स रहेंगे, एक जनरल नॉलेज का रहेगा जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के रहेंगे। दूसरा पार्ट जो रहेगा उसमें स्टेटिक्स इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स रहेगी, उसमें 70 क्वेश्चन रहेंगे और 70 नंबर के रहेंगे। उसके अलावा देखो दोस्तों अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये जो मैंने बताया कि 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो दोस्तों 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहाँ पे जो क्वालिफाइंग जो मार्क है वो 40% जो ऊपर अपन ने बताए थे वो 40% मार्क्स यहाँ पे लाना ज़रूरी है। द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर विल बी दैट ऑफ बैचलर्स डिग्री लेवल, यहाँ पे जो पेपर का लेवल रहेगा वो बैचलर डिग्री यानी कि बैचलर लेवल का यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है दोस्तों कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, तो पार्ट ए का जो जनरल नॉलेज है उसमें ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज और सोशियो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, करंट इवेंट्स एंड इश्यू ऑफ यानी कि जो करंट के अंदर जो चल रहा है राजस्थान से रिलेटेड या अपने भारत में, तो उन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा जो पार्ट है स्टेटिक्स इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का, इसमें कलेक्शन क्लासिफिकेशन टेबुलेशन कोरिलेशन और ये डिजाइन ये यहाँ पे आप देख लेना और उसके अनुसार तैयारी कर लेना। यहाँ पे जो कंप्यूटर का जो बेसिक रहने वाला है उसमें MS Word यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन और बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट यानी कि उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।